वंदे हम श्री गुरु श्री युतपदकमलम श्री गुरुर्नवैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुना थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदव्यासप्रियस्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली की, वृंदावन धाम की, श्रीमद् भगवद गीता की, तुलसी महारानी की, श्रील गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। लाडली श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास लाडली, श्री बरसानो वास। श्री वृंदावन वास लाडली, श्री बरसानो वास। दीजो मोहि श्री वृंदावन वास, लाडली श्री वृंदावन। अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सपरिवार कुशल मंगल होंगे। यही आशा लेकर के आज हम लोग पुनः अपनी क्रमागत श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग लगभग 107 दिनों से इस श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी की महती कृपा है कि ऐसे विषम परिस्थिति में और ऐसे पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में हम लोगों को श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं दसम अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का दसम अध्याय जिसका नाम है विभूति योग। तो हम लोग विभूति योग को श्रवण कर रहे हैं और हम लोग विभूति योग के 10 श्लोकों को हम लोगों ने कल तक 10 श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया था। आज हम लोग श्रवण करेंगे 11 नंबर श्लोक से। तो हम लोग कल 10 नंबर श्लोक पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हुए पुनः हम लोग 11 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ति ते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेसाम सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति सतत हमसे युक्त रहने की आकांक्षा रखता है, जो व्यक्ति सतत हमसे जुड़ा रहना चाहता है, यदि ऐसी उसकी इच्छा है और ऐसी इच्छा लेकर के भजताम प्रीतिपूर्वकम, यदि वह प्रीति पूर्वक, यदि प्रेम पूर्वक, यदि वह हमारे नामों का जप करता है, हमारा भजन करता है, तो क्योंकि यहां पे भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसा नहीं है कि तुम केवल हमसे प्रेम करना, भजन मत करना, ऐसा नहीं बोला गया। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं और भगवान पर बहुत विश्वास भी हमारा है, बड़ी निष्ठा है भगवान पे। भगवान इसकी बात नहीं बोले, भगवान इसकी बात बोले नहीं। क्या बोले? तेसाम सतत युक्ता नाम, जुड़े रह करके, जुड़े रहने की आकांक्षा लेकर के भजताम प्रीति पूर्वकम, वह व्यक्ति हमारा भजन करेगा प्रेम पूर्वक, तब ददामि बुद्धि योगम तम, तब मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करूंगा। और यह बुद्धि योग जो है वह किसी अन्य के द्वारा या स्वयं के द्वारा वह प्राप्त नहीं कर सकता। यह जो बुद्धि योग है यह हमारे द्वारा ही देय होगा, हमारे द्वारा ही देय होगा, यह किसी के द्वारा देय नहीं होगा, यह कहीं भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यह केवल हमें, तो यह कहा पे कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम इन मामुपयान्ति थे, और उस बुद्धि योग को प्राप्त करके वह हमें प्राप्त कर लेगा। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दे दूंगा, ऐसा रास्ता बता दूंगा कि तुम बड़ी आसानी से तुम हमारे पास पहुंचाओगे, तुम हमें प्राप्त कर लोगे। जो हरि भजे सो हरि के होई, जो हरि को भजता है, जो हरि का भजन करता है वही हरि का होता है, जो हरि का भजन नहीं करता ऐसे प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, झूठा मूठा प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। इनके मुख पर देखे तो इनकी बड़ाई, उनके मुख पर देखे तो उनकी बड़ाई, उनके मुख पर देखे तो ये सब चापलूस हैं, ये सब इनके अंदर कपट है। तो ऐसे बहुत आपको मिलेंगे, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि प्रेम करने से नहीं चलेगा। वह कैसा प्रेमी है बताओ जो भगवान के नामों का जप ही नहीं करता? तो बोले ऐसे लोग नहीं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक यानी प्रेम पूर्वक जो हमारा भजन करता है मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, बुद्धि योग प्रदान करता हूं, और उस बुद्धि योग को प्राप्त करके वह साक्षात हमें प्राप्त करेगा, वह साक्षात हमें प्राप्त करेगा। तो यहां एक भक्त की बात की जा रही है, जो भजन करने वाला है उसकी बात कर रही है, और भगवान को भजन करने वाले ही प्रिय हैं, दिखावा करने वाले प्रिय नहीं है। कौन सा दिखावा? प्रेम का दिखावा, जिसको आप लोग कहते हैं दिखावा, वास्तव में दिखावा नहीं है। आजकल के लोग जिस चीज को बोलते हैं, अरे तिलक लगाना, कंठी पहनना, माला जप करना, ये सब दिखावा, वास्तव में ये दिखावा नहीं है, वास्तव में ये दिखावा नहीं है। दिखावा जो लोग करते हैं वो तो बोलते ही नहीं कभी, झूठा मूठा प्रेम का दिखावा, झूठा मूठा विश्वास का दिखावा। एक मिनट में दर बदलने वाले लोग, एक मिनट में पार्टी बदलने वाले लोग, क्या विश्वास है इनका? तो ये दिखावा नहीं है कि तिलक लगाना, कंठी पहनना, माला जप करना, ये दिखावा नहीं है, ये बिल्कुल दिखावा नहीं। लेकिन इसी को लोग दिखावा बोलते हैं, बोलते हैं भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं जो व्यक्ति हमसे युक्त हो करके प्रेम पूर्वक भजन करता है मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, और उस बुद्धि योग को प्राप्त करके वो साक्षात हमें ही प्राप्त कर लेगा। और कल हम लोगों ने यह चर्चा भी किया था कि यह जो साक्षात्कार है ये कौन कराएगा। तो भगवान यहां पे कल बोले थे भगवान की यह कोई नहीं करवाएगा, यह मैं स्वयं गुरु रूप में मैं ही स्वयं करवाऊंगा, और कोई नहीं करवा सकता। साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान प्रदीपेन ज्ञान दीपेन स्फूरता विश्वतो मुखम। स्वयं भगवान ने गुरु के रूप में उनके हृदय में ज्ञान आलोक का प्रकाश किया था। अगला श्लोक 11 नंबर श्लोक, तेसामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेसामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अन्वय, तेसाम अनुकंपार्थम एव, तेसाम अनुकंपार्थम एव अहम आत्मभावस्थः भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानम अज्ञानजम तमः नाशयामि। कह रहे हैं तेसाम उन लोगों को, तेसाम उन लोगों को अनुकंपार्थम एव, अनुग्रह करने के निमित्त ही, उन लोगों को अनुग्रह करने के निमित्त ही अहम मैं
अहम मैं आत्मभावस्थ, आत्मभावस्था उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के भास्वता प्रदीप्त ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञानजम, अज्ञान जनित तमह संसार रूप अंधकार को नाशयामी, नष्ट कर देता हूं। किसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट भगवान करते हैं, किसके? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए विषय चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है। भगवान यहां पे कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं उनके अंधकार रूप यानी अज्ञान रूप, अज्ञान जनित जो संसार रूप अंधकार है, मैं उसको नष्ट करूंगा। किसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं भगवान? वही जिसको पीछे बताया गया भक्त, जो हमसे सतत युक्त रह करके भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान उसके लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं उन लोगों का जो लोग भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक हमसे युक्त रखने की, युक्त रहने की आकांक्षा लेकर के, उन लोगों को अनुग्रहम अनुकंपार्थम एव, अनुग्रह करने के निमित्त ही, अनुग्रह करने के निमित्त ही अहम मैं आत्मभावस्थ उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के। अब बताओ भक्त के जब बुद्धि में ही भगवान, बुद्धि वृत्ति जो है, बुद्धि की वृत्ति कह रहे हैं, बुद्धि में भी नहीं, बुद्धि की वृत्ति यानी बुद्धि जैसे जैसे संचालित होती है, बुद्धि की जो वृत्तियां होती हैं उस वृत्तियों में स्थित होकर के भास्वता प्रदीप्त, भास्वता यानी प्रदीप्त ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूप दीपक के आलोक से, ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञानजम, उसके बुद्धि की वृत्ति में बैठ करके भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान रूप दीपक के आलोक से यानी ज्ञान रूपी दीपक के लौ से, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से, प्रकाश से अज्ञानजम, अज्ञान जनित तमह, यानी तमह का मतलब होता है संसार रूप अंधकार को, जो अज्ञान है, कह रहे हैं उसको अज्ञान जनित तमह संसार रूपी अंधकार को नाशयामी, नष्ट कर देता हूं। जब स्वयं भगवान ही बुद्धि की वृत्ति में बैठ करके अज्ञान को स्वयं नष्ट करने वाले हैं, तो फिर बताइए उसका उद्धार नहीं होगा, ये आप सोच सकते हैं कभी? जिसके स्वयं, जिसके बुद्धि में स्वयं भगवान ही बैठ गए जाकर के, बुद्धि वृत्ति में स्वयं भगवान ही जाकर के विराजमान हो गए, और अज्ञान दीप के प्रकाश से उसके अज्ञान जनित संसारा शक्ति को नष्ट कर देते हैं, संसार रूपी उसका जो अंधकार, संसार रूप जो अंधकार है उस अंधकार को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं जो लोग हमारा भजन करना चाहते हैं, जो लोग प्रीतिपूर्वक हमारा भजन करते हैं, जो लोग हमसे युक्त होने की आकांक्षा लेकर के प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के, बुद्धि वृत्ति में, बुद्धि माने बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के मैं प्रदीप्त ज्ञान रूप, प्रदीप्त ज्ञान रूप के आलोक से अज्ञान से, आलोक से अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार को नष्ट कर देता हूं। जो अज्ञान से जो अंधकार रूप संसार जो होता है, संसार रूपी जो अंधकार है, मैं उसको नष्ट कर देता हूं। अब जब वो उसका अज्ञान जनित या संसार रूपी जो संसार रूप है अंधकार, यदि वह नष्ट हो गया तो फिर ज्ञान का प्रकाश, यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कहते हैं, यदि अर्जुन कहे कि विद्यावृत्ति के अतिरिक्त कोई आपको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, अतः वे विद्या के लिए यत्न करेंगे ही, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं नहीं। भगवान कह रहे हैं नहीं, नहीं, मैं केवल अपने अनन्य भक्तों पर किस प्रकार कृपा करता हूं यह बात कह रहा हूं, योगी इत्यादि के लिए नहीं, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये भक्त की बात भगवान बोल रहे हैं स्वयं,
भगवान एक भक्त के लिए बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उनसे यदि प्रश्न हो, विद्या के लिए भी कोई यत्न नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं केवल अपने अनन्य भक्तों पर किस प्रकार कृपा करता हूं यह बता रहा हूं कि योगी इत्यादि के लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए केवल भगवान कह रहे हैं, अपने भक्तों के लिए, योगी इत्यादि के लिए नहीं, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई चिंता करनी नहीं पड़ती, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वे किस प्रकार मेरी अनुकंपा प्राप्त करेंगे इसके लिए मैं ही यत्नशील रहता हूं। ये देखिए बहुत सुंदर यहां पे प्रश्न हुआ है। आप बताओ, जिसकी फिकर वो करता है फिर वो उसको काहे की फिकर है? भक्तों की स्वयं भगवान ही फिकर करते हैं, भगवान ही उनके बारे में सोचते हैं, भक्त को सोचने की जरूरत नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लेकिन नहीं, भगवान स्वयं आपके बारे में सोच रहे हैं, भगवान स्वयं आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कहां से किस चीज को प्रदान किया जाए, किस चीज को हमें कहां से देना है, बस हमें करना क्या है, कृष्ण की भक्ति करना है, प्रीतिपूर्वक उनका भजन करना है। केवल भजन की बात यहां पे कही गई, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना कि शेर को और अजगर को ये सबको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है शिकार के लिए, शिकार उनके पास ही चला जाता है। जो अजगर होता है वो बहुत थोड़ी दौड़ता भागता है, जो अजगर होता है वो ऐसे मुंह खोल करके ऐसे बैठा रहता है एक जगह। अब सोचिए, वह एक जगह मुंह खोल करके बैठा रहता है, उसको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, फिर भी वह जिंदा है, फिर भी वह जिंदा है। उसका जो शिकार है ना, वो उसके अपने आप उसके मुंह में चला जाता है, उसके पास चला जाता है उसका शिकार। इसलिए जो भक्त होते हैं, भक्तों को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्तों के लिए स्वयं भगवान ही सोचते हैं, भगवान उनकी खुद फिक्र करते हैं। भगवान की अनुकंपा कैसे वो प्राप्त करेंगे, भगवान कह रहे हैं वो हमारी अनुकंपा कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में मैं ही यत्नशील रहता हूँ, मैं ही प्रयास रहता हूँ, मैं ही प्रयासरत रहता हूँ। आत्मभावस्थ अर्थात उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के ज्ञान रूप दीप से उनके हृदय के अंधकार को दूर कर देता हूँ, अर्थात एकमात्र मुझे प्रकाशित करने वाला होने के कारण ज्ञान सात्विक नहीं अपितु निर्गुण है। निर्गुण होने पर भी जो ज्ञान भक्ति से उत्पन्न ज्ञान से भी विलक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान दीप द्वारा मैं ही उनके हृदय के अंधकार को नष्ट करता हूं। उनके हृदयगत जो अंधकार है, भक्त के हृदयगत जो अंधकार है, उसको अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं भगवान ही दीप प्रज्वलित करते हैं, ज्ञान का प्रदीप। वो भी कह रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं अपितु निर्गुण है, निर्गुण होने पर भी कह रहे हैं वह जो ज्ञान है सात्विक नहीं है। जो ज्ञान भगवान उसके हृदय में प्रकट करेंगे वह ज्ञान सात्विक नहीं अपितु निर्गुण है। भगवान भी निर्गुण, त्रिगुणातीत, और ज्ञान भी निर्गुण। निर्गुण होने पर भी जो ज्ञान भक्ति से उत्पन्न ज्ञान से भी विलक्षण ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान दीप द्वारा मैं ही उनके हृदय के अंधकार को नष्ट करता हूं। अतः वे लोग इसके लिए क्यों प्रयत्न करेंगे? कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि भक्त जो लोग हैं वे इसके लिए क्यों प्रयत्न करेंगे? वो प्रयत्न नहीं करेंगे जो सर्वदा मेरे प्रति एक निष्ठ है, उनका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूं। कह रहे हैं जो सर्वदा मेरे प्रति एक निष्ठ है, वह हमें छोड़कर के कुछ जो भक्त जानता ही नहीं है, जो केवल हमारे पीछे लगा हुआ 24 घंटे हमारी शरण में है, कह रहे हैं उसका योग क्षेम तो मैं ही दूर करता हूं। बेटा यदि बाप के चरणों में पड़ा रहे जीवन पर्यंत, तो बाप जीवन पर्यंत उसका पालन पोषण करता है, जीवन पर्यंत उसको खिलाता है।
और वैसे भी बेटा कमाने लगता है तो बाप कमाना बंद नहीं करता। ऐसा नहीं कि बेटा कमाने लगा तो बाप कमाना बंद कर देता है, फिर भी बेटा कमाता रहता फिर भी बाप उसको देता है, जरूरत पड़ने पे वो बाप ही देगा उसको, माँ ही देगी उसको। तो माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा देते हैं, वैसे ही जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे कृष्ण हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो हमारे भक्त हैं, जो एक निष्ठ होकर के हमारे सिवा और किसी को वो जानते ही नहीं हैं, उनका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूं, जो उनको चाहिए वो मैं देता हूं, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। यहां कह रहे हैं कि उनके व्यवहारिक और परमार्थिक सभी भारों को मैं ही वहन करना स्वीकार किया है। कह रहे हैं व्यवहारिक और परमार्थिक, भगवान की शरण में रहने का देखिए कितना बड़ा फायदा है। कह रहे हैं व्यवहारिक जो है उसका भी वहन करता हूं और परमार्थिक जो है उसका भी मैं वहन करता हूं, उसका भी वहन करता हूं। तो यहां कह रहे हैं व्यवहारिक और परमार्थिक सभी भारों को मैंने ही वहन करना स्वीकार किया है, स्वयं मैंने स्वीकार किया है वहन करना उनके भार को, वो चाहे व्यवहारिक भार हो और चाहे परमार्थिक भार हो, सब कुछ मैं वहन करने का संकल्प लिया है, स्वीकार किया है। ज्ञानी और योगी अपनी बुद्धि वृत्ति आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो ज्ञानी हैं और योगी, ये जो दोनों लोग हैं अपनी बुद्धि वृत्ति आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसके द्वारा वे असफल ही होते हैं। प्रयास तो करते हैं ज्ञान प्राप्त करने का, योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कह रहे हैं इसके द्वारा वे असफल ही होते हैं। किंतु अनन्य भक्त एकांतिक रूप से भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण श्री भगवत कृपा से भगवत ज्ञान को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान का भक्त है उसके लिए कह रहे हैं कि वह अनन्य भक्त एकांतिक रूप से भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण वह जो भगवत ज्ञान है वह भगवत ज्ञान को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि ज्ञानी और योगी के लिए कह रहे हैं ये लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो अनन्य भक्त हैं, जो एकांतिक भक्त हैं, वो सहज रूप से ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि भक्त भगवान के बिना प्राण भी धारण नहीं कर पाते, इसलिए वे भगवान के अत्यंत कृपा पात्र होते हैं। कह रहे हैं भक्त भगवान के बिना प्राण भी धारण नहीं कर पाते, इसलिए वे भगवान के अत्यंत कृपा पात्र होते हैं। अब भाई जब सेठ जी अपने घर पर बैठे बैठे यदि राशन पानी और जो कुछ भी उनको बांटना है, जो कुछ भी दान करना है, यदि वो घर बैठे बैठे दान करें, तो भाई जो उनके परिचय के लोग हैं, जो उनको जानते हैं, वो लोग जाएंगे उनके घर पे लेंगे, गए तो मिला, नहीं गए तो नहीं मिला। लेकिन यदि मालिक स्वयं, सेठ जी स्वयं यदि खोज खोज करके यदि देना शुरू कर दें तो कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। जो अपनी कुटिया में बैठा हुआ है एकदम असहाय अवस्था में, उसको भी प्राप्त हो जाता है। तो हमारे प्रभु जो भगवान कृष्ण हैं, वो अपने भक्तों के लिए स्वयं प्रयास करते हैं, वो अपने पास बुलाते नहीं, श्री कृष्ण जाकर के स्वयं जो कुछ भी होता है उसका वहन करते हैं, स्वयं जाकर के। आपने पीछे श्रवण किया था अर्जुन मिश्र के बारे में, अर्जुन मिश्र चले तो गए भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन स्वयं भगवान अपने कंधे पर राशन पानी ला करके उनके घर पहुंचा करके गए कि अर्जुन मिश्र विश्वास करो, विश्वास। तो इसलिए कह रहे हैं अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि भक्त भगवान के बिना प्राण भी धारण नहीं कर पाते, इसलिए वे भगवान के अत्यंत कृपा पात्र होते हैं, इसीलिए कृपा पात्र होते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका में हम देखते हैं कि उनको एकांत भाव से अनुग्रहित करने वाला मैं
योग क्षेम की भांति उनकी बुद्धि वृत्ति को भी उद्भासित कर देता हूं। क्या भगवान नहीं किए अपने भक्तों के लिए? कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि वृत्ति को भी मैं उद्भासित कर देता हूं, बुद्धि वृत्ति को भी उद्भासित करता हूं, उनके जीवन निर्वाह आदि सभी भार मेरे ऊपर ही हैं। देखिए, जो भक्त हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनके जीवन निर्वाह आदि सभी भार मेरे ही ऊपर हैं। भगवान कह रहे हैं उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खर्च है उनका, कैसे उनके पास जाएगा, इसकी सारी व्यवस्था भगवान करके रखते हैं। भक्तों को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। थोड़ा सा व्यक्ति नाम जप करना शुरू करता है, देखिए भौतिक जगत में थोड़ा सा व्यक्ति नाम जप करना शुरू करता है, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगता है, क्या क्या उसके पास हो जाता है, किसी चीज की कमी नहीं, एकदम पूरी VIP व्यवस्था उसकी हो जाती है। अब बताओ क्या किया वो? केवल थोड़ा सा नाम जप करना शुरू कर दिया, केवल नाम जपना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी व्यवस्था उसके पास हो जाती है, इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है। सोचिए, केवल नाम जप करना शुरू कर दिया, जब वह भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया तो क्या चीज की उसके पास कमी है? यदि उसको आश्रम, बिल्डिंग, 4-व्हीलर, गाड़ी चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है भगवान के पास, सब कुछ, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आप ले सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनके जीवन निर्वाह आदि सभी भार मेरे ऊपर ही हैं। जो भक्तों के जीवन निर्वाह आदि के भार हैं वो सब कुछ भगवान कह रहे हैं मेरे ऊपर ही हैं। उन्हें किसी भी वस्तु के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बिना प्रयत्न के घर बैठे मुख में भोजन प्राप्त हो जाता है, घर बैठे कुछ नहीं करना पड़ता। वास्तव में ये बात बिल्कुल 100% सही है, भक्तों को कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी सब कुछ की व्यवस्था उनके पास हो जाती है। भगवान किसके द्वारा क्या व्यवस्था करवाएंगे, भगवान सब कुछ डिसाइड करके रखें, सब कुछ डिसाइड करके रखें। भगवान किसको माध्यम बना देंगे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। कह रहे हैं भक्तों के, उन्हें किसी भी वस्तु के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बिना प्रयत्न के उनके पास सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। और वैसे भी लोग वृंदावन आते हैं ना, कुछ नहीं लेकर के आते, जब वो घर छोड़ता है ना तो कुछ नहीं लेकर के आता घर से, ऐसे ही झोला उठा करके चला आता है। लेकिन वृंदावन आने के बाद, भजन मार्ग में आने के बाद सब कुछ उसके पास हो जाता है, सब कुछ उसके पास हो जाता है। ये हम लोगों के आंखों देखी बात है, आंखों देखी बात है। किसी चीज की उसके पास कमी नहीं रहती, सब कुछ अवेलेबल होता है उसके पास। क्या लेकर के आता है आदमी वृंदावन? कुछ नहीं लेकर के आता, बल्कि ऊपर से घर से गाली सुनकर के आता है, घर से मार खा करके आता है, लोगों की सुन करके आता है खरी खोटी, कुछ नहीं लेकर के आता। वो यहां आने के बाद उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो घर वाले गाली देते हैं ना, वही घर वाले सम्मान करने लगते हैं उसका, वही घर वाले उसका सम्मान करने लगते हैं। तो क्या क्या नहीं मिलता भगवान के शरण में जाने पर, जो उसका मान सम्मान जा चुका होता है कुछ समय पहले, उससे भी बढ़ चढ़ करके उसका मान सम्मान पुनः प्राप्त होता है, ब्याज सहित उसका मान सम्मान वापस होता है, ब्याज सहित उसका मान सम्मान वापस होता है। जो जा रहा है उसको पहले जाने दो, जो जा रहा है उसके जाने दो, जो छूट रहा है उसको छूटने दो। सब कुछ अगर आपकी इच्छा होगी तो सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन ब्याज के साथ आपको मिलेगा, पूरा फुल इंटरेस्ट भगवान देंगे, पूरा, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे, ना तो खाने की कमी रहेगी, ना तो पहनने की कमी रहेगी, ना रहने की कमी होगी, और ना तो मान सम्मान की कमी होगी। सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। भगवान की शरण में जाने के बाद व्यक्ति को क्या नहीं मिलता,
आप ऐसा कोई नाम नहीं बता सकते हैं जो नहीं मिलता है। सब कुछ आप जो इच्छा करिए, अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज, जो आप इच्छा करिए वो आपको प्राप्त होगी। और ऐसा देखने को मिलता है, जो जैसा चाहता उसको वैसा मिल जाता है। उसके बाद वो जाने, उसने वैसा चाहा इसलिए उसको वैसा प्राप्त हुआ। जो जैसा चाहता है वैसा उसको मिलता है। इस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान करने वालों के समीप अज्ञान नहीं रह सकता है। कह रहे हैं इस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान करने वालों के पास, करने वालों के समीप अज्ञान नहीं रह सकता। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का विचार उपस्थित होता है कि जो अतत को दूर करने के क्रम में तत् वस्तु का अनुसंधान करते हैं वे ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल भक्ति भाव का अनुशीलन करने से ही वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, इसकी मूल कथा यह है कि अपनी बुद्धि द्वारा अनुशीलन करने से शूद्र जीव कभी भी असीम सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी शूद्र बुद्धि के द्वारा, यह शूद्र जीव कभी भी असीम सत्य, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस असीम सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वह कितना ही विचार क्यों न करे, अंश मात्र भी विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्म बहुत अलग चीज है, बहुत अलग है। अगर व्यक्ति को भगवान पे विश्वास यदि हो जाए ना, यदि व्यक्ति को विश्वास हो भगवान पे ना, धर्म के मार्ग पर वह व्यक्ति 1 रुपये खर्च करता है उसको 7 रुपये मिलता है, 7 गुना उसके पास आता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, सबसे मूल कारण यही है, सबसे मूल कारण यही है, हमें विश्वास आज तक नहीं हुआ। जिस दिन विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन देखिएगा, फिर तो आदमी दिल खोल करके 2 हाथों से लुटाता है और 4 हाथों से पकड़ता है। वो यह है सिस्टम, वो केवल 2 हाथों से ही लुटा पाता है, 2 हाथों से ज्यादा नहीं लुटा पाता है। लेकिन जिसके मन में कपट है, जिनके मन में विश्वास नहीं है, उसका हाथ खुलता नहीं, वो ना ना कोई फायदा नहीं है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिसको भगवान पर विश्वास है, जो यह जानता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ कृष्ण से है और कृष्ण ही इसके उत्पत्ति के कारण है, जो व्यक्ति यह जान लेता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको विश्वास करना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। विश्वास, विश्वास से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप 1,00,000 कोशिश कर लो। इसीलिए तो यहां पे कहा जा रहा है ना कि यह अपनी बुद्धि द्वारा अनुशीलन करने से, अपनी जो शूद्र बुद्धि है, जो संकीर्ण बुद्धि जिसको बोला जाता है, छोटी सी बुद्धि हम लोगों के पास है, हम लोग उसी बुद्धि को लेकर के नाचते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाते हम लोग जीवन में। जिंदगी भर केवल 2 रोटी कमाने खाने के चक्कर में हम लोग अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर, क्या पाए हम लोग जीवन में, क्या कर लिए हम लोग, परिवार चलाने के अलावा हम लोग क्या कर लेते हैं बताओ, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा हम लोगों की सोच ही नहीं है कि इसके अलावा भी हम लोग कुछ सोच पाए। संकट, इसीलिए इसको छोटी बुद्धि कहते हैं। अपनी बुद्धि को ब्रॉड बनाइए, ब्रॉड माइंड बनाइए, पहले बड़ी बुद्धि करिए, अपनी सोच को बड़ा करिए। कुछ लोग होता है घर में राजनीति करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने जिले में राजनीति करते हैं, और कुछ लोग पूरे भारत की राजनीति करते हैं। तो ऐसा दिमाग बताओ, पूरे भारत की राजनीति करना है, ऐसी भक्ति करो, ऐसा भगवान पे विश्वास करो कि छोटी बुद्धि मत करो, अपने बारे में केवल मत सोचो, अपने बारे में मत सोचो। जब तक हम थे तब तक अपने बारे में सोचे, पत्नी आई तो पत्नी के बारे में सोचने लगे, बच्चे आए तो बच्चे के बारे में सोचने लगे, बस इतना ही बड़ा संसार है।
जैसे एक कुत्ता होता है अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता, अपने परिवार के लिए क्या नहीं करता, वो सब कुछ करता है अपने परिवार के लिए। आप एक बंदर को देख, बंदर को आप रोटी दोगे, एक छोटा सा बंदर अपने छोटे से बच्चे को अपने गले से चिपका के लगा करके रखता है लेकिन रोटी उसको नहीं खिलाता है, अपनी छाती का दूध उसको पिला देता है लेकिन अपने हाथ की रोटी उसको नहीं खिलाता है, रोटी नहीं खिलाता। इसलिए हम लोगों की जो शूद्र बुद्धि है, जो संकीर्ण माइंड है, उसके द्वारा हम लोग प्रयास तो बहुत करते हैं। यह जो शूद्र जीव है, यह छोटा सा जीव जो है ना, कभी असीम सत्य, जो असीम, इसको सीमित नहीं कहा गया, असीम बोला गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो सत्य तत्व है उसकी कोई लिमिट नहीं है, सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है वह व्यक्ति, किसी कंडीशन में वह नहीं कर सकता है। वह कितना ही विचार क्यों ना कर ले, वह कितना भी क्यों ना सोच ले, कितना भी अपने दिमाग को दौड़ा ले, लेकिन नहीं कर सकता। अंश मात्र भी विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, अंश मात्र भी वह विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, वह वहां प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा वहां। किंतु यदि मैं कृपा करूं, भगवान कह रहे हैं यदि मैं कृपा करूं तो अनायास ही मेरी अचिंत शक्ति के प्रभाव से शूद्र जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं यदि मैं कृपा कर दो ना तो उस शूद्र जीव को, उस छोटे से जीव को कह रहे हैं सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो मेरे एकांत भक्त हैं वे अनायास ही मुझे आत्मभावस्थ कर मेरे अलौकिक ज्ञान दीप द्वारा अलौकित होते हैं, विशेष अनुकंपा पूर्वक मैं उनके हृदय में अवस्थित होकर के जड़ संग वसतः अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को संपूर्ण रूप से नाश करता हूँ। भगवान ही भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान ही भक्तों पर कृपा करते हैं और भक्तों पर कृपा करके उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को संपूर्ण रूप से नाश कर देते हैं। जिस शुद्ध ज्ञान में जीव का अधिकार है, जेके भगवत ज्ञान में जो शुद्ध ज्ञान है उसमें जीव का अधिकार भी है, उसको प्राप्त करना चाहिए जीव को, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए जीव को, कोशिश करना चाहिए। तो कह रहे हैं जिस शुद्ध ज्ञान में जीव का अधिकार है वह भक्ति के अनुशीलन से ही उदित होता है, बिना भक्ति के अनुशीलन से वह उदित नहीं होता है। जो उसका ज्ञान, ज्ञान का अधिकार है, जिस ज्ञान को उसे प्राप्त करना है वह उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है, वह केवल भक्ति के अनुशीलन से ही प्राप्त करने की उसको इच्छा होगी, केवल, न कि तर्क के द्वारा प्राप्त होता है। तर्क के द्वारा बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता है, बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का सार है तथा स्वयं भगवान के द्वारा ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार उपर्युक्त चार श्लोक 8-11 गीता के सार स्वरूप हैं। इसलिए ये श्लोक समूह चतुश्लोकी गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। चतुश्लोकी गीता 8-11 तक को चतुश्लोकी गीता कहा गया है। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इसे बताकर इन चार श्लोकों में अनन्या भक्ति का स्वरूप बताया। इस अनन्या भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर कृष्ण कृपा कर साधक को संसार समुद्र से अनायास ही पार कराकर ब्रजधाम में अपनी रसमयी भक्ति में प्रवेश कराते हैं। क्या कह रहे हैं कि अनन्या भक्ति का आश्रय ग्रहण करने वाले पर कृष्ण कृपा कर, जो अनन्य भक्ति करता है उस पर कृष्ण कृपा कर संसार समुद्र से अनायास ही पार कराकर, पार कराकर, कराकर यानी कृष्ण स्वयं हाथ पकड़ के उसको पार करवाते हैं। यहां पे कह रहे हैं अनायास ही पार कराकर, पार कराकर ब्रजधाम में अपनी रसमयी भक्ति में प्रवेश कराते हैं, अपनी रसमयी भक्ति में प्रवेश स्वयं भगवान करवाते हैं। जीव की क्या औकात है भगवान के रसमयी भक्ति में प्रवेश कर लेगा, स्वयं भगवान करवाते हैं,
स्वयं भगवान करवाते हैं। बस हमें करना क्या है, हमें केवल भक्ति करना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत, केवल भक्ति करने की जरूरत है। यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि तेसा मेवानुकंपार्थ महमज्ञानजम तमह नासयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, संसार रूप अंधकार को नष्ट कर देता। अगला श्लोक, अर्जुन उवाच। इतना कहने के बाद भगवान के अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीसि मे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीसि मे। अन्वय, अर्जुन उवाच, भवान परम ब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम सर्वे ऋषयः देवर्षि नारदः तथा असितः देवलः व्यासः त्वाम शाश्वतम पुरुषम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु च स्वयं एव मे ब्रवीसि। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा भवान आप, भवान यानी आप हे कृष्ण परम ब्रह्म पर ब्रह्म परम धाम परम धाम परम ब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम परम पवित्र है। ऋषयः समस्त ऋषिगण देवर्षि नारदः देवर्षि नारद तथा असितः देवलः व्यासः तथा असित देवल और व्यास, असित देवल और व्यास त्वाम आपको शाश्वतम पुरुषम, आपको शाश्वतम पुरुषम नित्य पुरुषाकार दिव्यम स्वयं प्रकाश आदिदेवम आदिदेव अजम अजन्मा विभुम और व्यापक व्यापक आहु कहते हैं च तथा स्वयं एव आप स्वयं ही में मुझे ब्रवीसी कहते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हुए अर्जुन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम तथा परम पवित्र अर्थात अविद्या आदि मल को नाश करने वाले हैं। परम पवित्र यानी परम पवित्र है, भगवान के पास अविद्या रूपी जो मल है न तो है और मल को नाश करने वाले भी हैं भगवान, तो अविद्या मल को नाश करने वाले हैं। मैं यह जानता हूं समस्त ऋषिगण यथा देवर्षि नारद असित देवल व्यास आदि भी आपको नित्य पुरुष दिव्य आदि देव अजन्मा और व्यापक कहते हैं। केवल मैं ही नहीं, ये सब लोग आपको ऐसा कहते हैं, इन सब के मुख से मैं सुना हूं और आप ऐसा हैं तो अजन्मा और व्यापक कहते हैं तथा आप स्वयं ही मुझे ऐसा कह रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं कि आप व्यापक हैं लेकिन आप भी स्वयं ही मुझे आप ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा स्वयं मुझसे कह रहे हैं।
तो भगवान परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, जो कि अविद्या मल को नाश करने वाले हैं। जहां कृष्ण, वहां पे कभी भी अविद्या नहीं हो सकती, वहां पे कभी भी अंधकार नहीं हो सकता, कभी अंधकार नहीं हो सकता। जहां कृष्ण वहां माया ना ही अधिकार, जहां कृष्ण वहां माया ना ही कोनो अधिकार, कोई अधिकार नहीं वहां पे माया का, वहां पे माया प्रवेश भी नहीं कर सकती। इसलिए परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र अर्थात अविद्या मल को नाश करने वाले हैं, मैं यह जानता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यह जानता हूं। क्या पैसे हैं समस्त ऋषिगण, समस्त ऋषिगण, देवर्षि, असित, देवल, व्यास आदि भी आपको नित्य पुरुष, दिव्य और आदि देव, अजन्मा और व्यापक कहते हैं। ये सब लोग ऐसा कहते हैं तथा आप स्वयं ही मुझे ऐसा कह रहे हैं, आप स्वयं भी ऐसा कह रहे हैं। यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका करते हुए कहते हैं, परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट धाम, परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, सुपीरियर, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड नहीं, बेस्ट। तो कह रहे हैं परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट धाम अर्थात श्याम सुंदर वदन वाले, श्याम सुंदर वदन वाले आप पर ब्रह्म हैं। श्याम सुंदर वदन वाले आप पर ब्रह्म हैं। अमर कोश में कहा गया है गृह, देह, त्विष्ट, प्रभाव तथा धाम, ये एक ही तात्पर्य वाले हैं। वहीं धाम आप हैं, जीव के समान आप में देह और देही का भेद नहीं है। कह रहे हैं आप में देह और देही का कहीं भी कोई भेद नहीं है। धाम का स्वरूप कैसा है, इसके उत्तर में कहते हैं परमम पवित्रम। जो धाम का जो स्वरूप कह रहे हैं, स्वरूप कैसा है? कह रहे हैं परमम पवित्रम। परमम यानी उत्कृष्ट, पवित्र, श्रेष्ठ। परमम पवित्रम अर्थात यह देह का स्वरूप देखने वाले की अविद्या रूपी मलिनता को नाश करने वाला है। कह रहे हैं इतना परम पवित्र है कि उनको देखने वाले का भी जो अंधकार है, जो अविद्या है, वो नाश हो जाती है केवल उनको देख करके, केवल उनको देख करके। कह रहे हैं देह स्वरूप देखने वाले की अविद्या रूपी मलिनता को नाश करने वाला है, उसकी भी अविद्या रूपी जो मलिनता है वह नाश हो जाती है। अविद्या रूपी मलिनता उसकी नाश हो जाती है, नाश करने वाला है। इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि जो उन पवित्र धाम को जो देख लेता है वो स्वयं पवित्र हो जाता है। अरे उनको छोड़िए, वैष्णव पदावली में कहा गया दर्शने पवित्र करे तुम्हार ए गुण। वैष्णव को बोला गया कि वैष्णव लोगों को, वैष्णव जन जो होते हैं, भगवान की तो बात यहां छोड़ दीजिए, जो उनके चरणों का आश्रय करके बैठा, जो उनके चरणों को पकड़ के बैठा है, उसको दर्शन होने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण, दर्शन से ही भक्त लोग जीवों को पवित्र कर देते हैं, दर्शन मात्र से। अब सोचो यदि जो भगवान है, जो भगवान के चरण को पकड़ के रखा है, उसका दर्शन करने से यदि व्यक्ति पवित्र हो जा रहा है, तो उसका दर्शन करने के बाद तो फिर कोई बात ही नहीं वहां पे। उसका दर्शन करने वाले की तो पूछो ही मत कि क्या हो जाएगा। तो ऐसे दर्शने पवित्र करे तुम्हार ए गुण, वैष्णव का ये गुण होता है कि वैष्णव का यदि दर्शन हो जाए तो दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। अविद्या रूपी मलिनता को नाश करने वाला है। अतः ऋषि गण भी आपको शाश्वतम पुरुष माहु अर्थात शाश्वत पुरुष कहते हैं। जो ऋषि गण हैं वो आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं,
शाश्वत पुरुष कहते हैं, अर्थात इस पुरुषाकार के नित्यत्व का कीर्तन करते हैं। ये सब लोग कृष्ण को मानते हैं और हम लोग किस मूर्खता में पड़े हैं, फलाना धमाका क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसे ऐसे नारद, देवल, असीत, व्यास आदि सब भगवान के पुरुषाकार, पुरुषाकार मतलब कृष्णावतार, कृष्णावतार के नित्यत्व का कीर्तन करते हैं। पुरुषाकार का नित्यत्व, पुरुषाकार के नित्यत्व का कीर्तन करते हैं, जो भगवान का पुरुषावतार, और ये श्रेष्ठ अवतार है। समस्त अवतारों में जो भगवान का पुरुषावतार है वह श्रेष्ठ अवतार है, वह श्रेष्ठ अवतार कहा गया, तो उसी का कीर्तन करते हैं। तो यहां पे अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप परम परब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, मैं ऐसा जानता हूं। समस्त ऋषिगण भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? देवर्षि, नारद, असीत, देवल, व्यास आदि आपको नित्य पुरुष, दिव्य, आदि देव, अजन्मा और व्यापक कहते हैं। व्यापक कहते हैं तथा आप स्वयं ही मुझे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा आप मुझे कह रहे हैं। तो आज की जो श्रीमद् भगवद गीता की क्लास है आज यहीं पर विराम ले रही है, और हम लोगों ने आज 13 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया, और कल हम लोग पुनः ठीक अपने समय से ठीक 11:30 बजे पुनः हम लोग अपनी क्रमागत श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।